स्वागत है नए वीडियो में। आज हम लोग रुके हैं होटल चिराग में, जो कि है बीकानेर में। जस्ट अभी मैंने चेक इन किया है और 202 मिला है। अब जा रहा हूँ मैं, आपको रूम दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इधर से लिफ्ट है, लिफ्ट से अंदर जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कौन सा रूम मिला है। तो भाई पहला होटल देखा जिसमें इनडोर पूल है। पता नहीं लोग कैसे प्राइवेसी मेंटेन करते होंगे, क्योंकि इस साइड रूम बने हुए हैं भाई और ऊपर से कवर कर रखा है इन्होंने, देख रहे हो आप। सो आई डोंट नो कि स्विमिंग पूल में प्राइवेसी कैसे मेंटेन होती है। रूम नंबर मिला मुझे 202 और रूम टूर दे देता हूँ आपको। राइट हैंड साइड में वॉशरूम मिल जाएगा आपको, टॉयलेटरीज दे रखी हैं इन्होंने, टॉवेल भी है। इस साइड शावर है इधर पॉटी करने का, इस साइड टेबल है, इसमें मैंने बैग रख दिया है। हैंगर दे रखा है, आयरन नहीं है। इस साइड टेलीविजन यूज़ कर रहे हैं पैनासोनिक का, इलेक्ट्रिक कैटल है, पेट चिप्स विप्स हैं और उधर टेबल लगी हुई है, वर्क स्टेशन है बेसिकली काम करने के लिए। उधर सोफ़ा और ये बेड सिंगल बंदे के लिए है, आप डबल भी ले सकते हो, बेड ठीक ठाक लग रहा है। पीछे पेंटिंग भी लगा रखी है इन्होंने एक फ्लावर की। एसी भी है, एसी यूज़ कर रहे हैं IFB का। और दो पानी की बोतल दे रखी है इन्होंने, टेलीफोन है, QR कोड दे रखा है स्कैन करके। देखते हैं व्यू कैसा है विंडोज़, हालांकि कुछ खास व्यू तो नहीं लग रहा है। अच्छा जी, तो ये है बालकनी। बालकनी तो भाई साहब लॉक है, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो लॉक खुलेगा कि नहीं, बताता हूँ आपको देख के। तो इसी साइड से हम लोग आए थे सामने से, और दूसरी वाले की जो बालकनी है वो भी खुली हुई है। तो एक अपार्टमेंट टाइप ही लग रहा है, जैसे अपार्टमेंट होता है घर होते हैं उसी टाइप का है। बट होटल की लोकेशन काफ़ी ऑफ थी, तीन रास्ते थे आने के, तो जो रास्ता हमने चुना वो तो बहुत अबेंडेंट था। ऐसा लग रहा था कि कहाँ पर आ रहे हैं हम, किस रास्ते पर, लेकिन होटल आने के बाद लगा कि होटल ठीक है। और ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी मिलेगा हमें, जो मेरे प्लान में होगा, अगर मैं करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कैसा है, और आगे देखते रहिए मैं बताता रहूँगा। भाई पूल व्यू का ये कॉन्सेप्ट है पूल का, ये जो नीचे लगाया है इन्होंने जो रूम से दिखता है, क्योंकि बगल में ही इनका रेस्टोरेंट है ये देखो, तो ये रेस्टोरेंट में फील देने के लिए इन्होंने पूल लगाया था। और ऊपर जितने हैं वो सारे कमरे हैं, ठीक है, ये देखो। इसलिए पूल इन्होंने नीचे लगाया। तो भाई बालकनी फाइनली खोल दिए मैंने, लॉक लगा हुआ था ऐसे खोला, और एज यूजुअल बालकनी देखो आप कितनी गंदी है। गंदी होने की वजह ही कबूतर भी हैं, ये देखो इन्होंने लगा रखा था ये, लेकिन वैसे भी इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी लगाया था अपने घर पे, कबूतर फिर भी बैठता है, देखो बैठे हुए देख रहे हैं आप। ये कबूतर इतना गंदा कर देते हैं, ये देखो कबूतर ने शिट कर रखा है, पंख है। ये बगल में जो भाई रूम है क्या है, इसको तो पूरी तरीके से बंद कर रखा है इन्होंने, ये ठीक लग रहा है। और ये एकदम सामने एंट्रेंस है भाई, इधर से हम आए थे, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, इस सामने इनका रेस्टोरेंट लग रहा है ना। तो ये पूरा इन्होंने फ्रंट व्यू है जो हमें रूम मिला है 202, उससे फ्रंट व्यू दिख रहा है। गार्डन है सामने, आई थिंक वेडिंग के लिए यूज़ होता होगा, पानी डाला जा रहा है, कलर्स बड़े अच्छे आ रखे हैं, ये जो फ्लावर्स धीरे धीरे निकले हुए हैं इसमें, ठीक है ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट मेन्यू में जूस था, जूस हमने पिया, केला भी खाया ठीक था, पीता खाया, उधर लगा हुआ है जूस क्लियर, वो ये नहीं खाया मैंने क्योंकि रात में मैंने पूड़ी और वो खा ली थी, पूरी सब्जी है यहाँ पे, पैनकेक्स है, सांभर है, चटनी है, साथ में ये दलिया दे रखा है इन्होंने,
अंडे ये रखे थे फ्राइड होके, ये मैं टोस्ट करा लिया था वो खाया था, इधर भी ब्रेड लगे हुए। और मेन जो है इनका ये व्यू है भैया, ये फूल लगा रखे ठीक था ओवरऑल बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग वालों की होटल चिराग में कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है जूस, पैनकेक लिया है, फ्रूट्स लिए हैं, ये लिया है। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, ये देखो क्या बढ़िया वॉल पेंटिंग और रखी है पीछे, आप देख रहे सारा जयपुर और रेड मार्बल स्टोन के लिए फेमस है जितने, उस हिसाब से यहाँ पर सजाया गया है। अभी आपको और दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। सुबह डिनर टाइम हो गया, डिनर में इन्होंने सूप भेजा है, सूप पी रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है साथ में ये लिया हुआ तो खा रहा हूँ। फिर जब मैं प्रॉपर मेन कोर्स खाऊंगा तब बताऊंगा क्या क्या है। सुबह डिनर आ गया, रोटी बटर चिकन मंगाया मैंने, ऊपर से मैंने अंडे से गार्निश किया है, सैलेड पनीर और स्टीम राइस, ये खा के आपको बताऊंगा कैसा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चेकआउट कर लिया मैंने, वापस जा रहा हूँ। ठीक ठाक स्टे था, प्रॉपर्टी नॉर्मल है, ज़्यादा 5 स्टार नहीं है, 3 स्टार बोलूँगा मैं। सर्विसेज ठीक है, जो लोगों को बोलो वो कर देते हैं, रूम में भी खाना भिजा देते हैं अगर आप चाहो तो। खाना भी नॉर्मल है, अगर आप बाहर नहीं खाना चाहते तो खा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा बाहर ही खाना खाओ, इतना अच्छा खाना नहीं है। छोटी प्रॉपर्टी है और टूरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो जब सीज़न होता है तभी लोग होते हैं, अभी तो फ़िलहाल कम लोग थे। मैं इन्जॉय किया, कोशिश करिए कि 201 रूम लीजिएगा आप। थैंक यू सो मच, बाय।